यहाँ पर चलने के लिए नेपाली रोडमा चल्ने के लिए जो परमिसन त चाहिए नि तो दर्ता गर्नु परेन आप लोग ने ओ तो उसी के लिए चाहिए तो आप आर्टिकल 29 आपने बोला भाई गूगल पे मिल जाएगा निकाल के दो अब है तो आप नहीं सर दिस इज नॉट फेयर सर टूरिस्ट के एज ए टूरिस्ट हमें हरासमेंट हुई है आप यहाँ कितने दिन ठहरना है नेपाल 10 दिन और 10 दिन हाँ 10 दिन ये पेपर तो मैं बोलता हूँ कि मैंने जिन्होंने मुझे बोला कि कुछ नहीं लगता है मैंने कंप्लेंट करनी है उनकी तो मुझे रिटर्न डॉक्यूमेंट दे दो कोई कि चलान काटने से पहले पूछा जाता है कि डू यू हैव दिस डॉक्यूमेंट हमारा भंसार पकड़ा और बोला कि 1000 रुपीज दो आपका चलान हो गया क्या पता हमारे पास परमिट होता फिर हम तो परमिट देंगे अभी आप परमिट दोगे पर वो सही नहीं किया है आपने मुझे इतना पता है श्योर वो सही नहीं है आपने जो लेना है 500 ले लो और हमारा चलान काटो ठीक है ओ यार क्या सुन के क्या करेंगे हम आप सर वाहगुरु जी का खालसा वाहगुरु जी की फतेह वीडियो देख रहे सारे सज्जना मित्रों सत श्री अकाल जी जिन्होंने साड़ी कल वाली वीडियो देखी होनी उन्होंने पता होना कि लास्ट के आप टू बी कॉन्टीन्यूड करता सी क्योंकि अपनी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई सी अपना सफ़र तातो पानी तो लैके मुक्तिनाथ तक का सी तातो पानी जिथे गर्म पानी के झरने ने चश्मे ने तो वह ब्लॉग दिखाया कि मैं लोगों दी हड्डियां ठीक होंदियां ने जिहड़ियां उन्हां दी मान्यता दे अकॉर्डिंग अज अपना सफर हैगा जी तातो पानी तो लैके मुक्तिनाथ तक का पर राह दे विच साडा पुलिस वाले नाल बहुत वड्डा पंगा हो गया सी एक तरह का तुसीं कह सकदे हो क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट होने के बावजूद भी साडा उन्होंने चलान कट्टिया उन्होंने बहुत समझाया बहुत कहा क्योंकि यार नेपाल दे विच ना इन्नी ज़्यादा करप्शन आना पहला मैं एक दो थावां ते होया पर मैं दसना नहीं चाहुंदा सी मैं कहा अगले कहणगे भी तू अगले दे देश च घूम भी रहा नाले उन्हां दी भंडी कर रहे हां पर बहुत ज़्यादा करप्शन आ इत्थे आर्मी वालों का भी बुरा हाल आ उत्तों की पुलिस वालों का बुरा हाल हैगा ही हैगा जिन्हां दी इत्थे दुकाना दुकूना ने वो माड़े मोटे बंदे ठीक ने जां फिर वैसे तुसीं लोकां नाल मिलवरतन देखना तां बंदे ठीक ने पर जिन्ने भी सरकारी बंदे ने ऑफिसर ने चाहे कोई पुलिस आ उन्हां च तां इन्नी ज़्यादा करप्शन आ तुसीं सोच नहीं सकदे तुसीं अज दी साडी वीडियो देखी उहदे विच बणदा की आ ते जिन्ने भी इंडियन बाइकर ने जिहड़े बाइक ते आउणा चाहुंदे ने तो उन्हां वास्ते भी यह वीडियो आ कि थोड़ा इत्थे चलान बनता ही बनता हरेक जिन्ने मर्जी तुसीं डॉक्यूमेंट पूरे कर लो अज दी वीडियो नूं एंड तक जरूर देखियो वो एक्सक्यूज मी वो मुक्तिनाथ कितना दूर रह गया यहाँ से 3 घंटा 3 घंटा 3 घंटा है भाई 3 घंटा तो कितने किलोमीटर का झरना वाटरफॉल देख के चल पे हाँ इन्हां बाइयां करके आराम नाल जा रहे हैं फोटो खिंचन लग जाने मैं लाहा लै लैना नहीं कल्ले नूं तां मैनूं कित्थे टाइम हुंदा फोटो खिंचण दा सैल्फियां वाला काम हो जाता तो बाहरले देश यार फोटो खिंचण नूं कहा भी नहीं जाता छेती किसी नूं इंडिया की गल होर आ रेता ही आ सारे रहा मुक्तिनाथ हजे उस कुड़ी ने दस्या भी 3 घंटे के लगभग पिया 3 घंटे किलोमीटर तो थोड़ी ने मतलब अज तो नहीं आप पहुँच सकते कल तड़के बनावे वीडियो मुक्तिनाथ की जे तो रात हूँ फिर नेरा जा हो जूगा जिथे आप टेंट लाया सी रात मैं शायद दसना भुल गया भी उत्थे आप पैसे दे के टेंट लाया सी जे किसी लेक साइड व्यू तो कितने ला लेंगे फिर तो चलो साले चल जाता है ना वो आप अगले के होटल के लाया सी टेंट तो क्योंकि अगले ने कंबल देता सी मैंने मेरे को कंबल नहीं हैगा सी जा स्लीपिंग बैग नहीं हैगा सी है ना फिर यह टेंट मैं ला भी नहीं सकता सी उन्हें 300 रुपया लिया सी एक टेंट का ठीक है 300 रुपया नेपाली का मतलब इंडिया तुसी ला लो 150-150 पाउने 200 के नेड़े तेड़े बन गया जां 200 रुपया हो गया बाकी आप रोटी पानी वो रात की खाधी सवेर की खाधी 2-3 बारी चाह पीती आ तो कुल मिला के 2200 रुपया बनया सी 3 जण का तो 800-800 रुपया आ गया 8 × 24 हाँ 750 रुपया तो मतलब 300-400 रुपये के रात लंघ गई वधिया सवेर की रोटी खा ली ये बाई है वेस्ट बंगाल तो ब्रो हाँ यू मैं पंजाब आप कहाँ से वेस्ट बंगाल कहाँ से ओके सिलीगुड़ी ओके थैंक यू कपल आया हुआ सी वेस्ट बंगाल तो बड़ा इंडिया फिरता इत्थे अरे इधरों लोग वापस आ रहे ने यह मुक्तिनाथ तो वापस आ रहे ने उत्थे रात रुके होणगे क्योंकि एक दिन दे विच तां आना पॉसीबल नहीं हैगा नहीं फिर कितें रात रुकना पऊगा एक काम हो सकता ठीक है जां फिर जिवें आपां रुके आ तां सवेरे सदेहा जाके 3-4 घंटे जो उत्थे पहुँच गए और दूआ फिर शाम तक वापस आ जाइए तो वह ठीक रहा भी पूरा सूरा जहा
उधर ट्रक आ रहा ला ला कि साइड ते दो गड्डिया लंघ सकदी गड्डी पिछे खड़ गई सिख बहुत हालत खराब आ पेंगोंग लेक वाला राह याद आ गया इनू देख के बहुत बड़े बड़े पत्थर पे ने बचाले यार मोटरसाइकिल का इंजन थले लगन वाला हो जाता लो जी थोड़ी जी सड़क पक्की आ गई बजर जहा पाया होया उत्ते ते उत्थे मैं लगता होर साफ आ सड़क जिहड़ा वैसट बंगाल वाला बंदा मिलिया सी ना आपां नूं कप लाया होया सी उन्होंने कहा सी कहिंदा वी अगे जाके सड़क साफ आऊगी हुण इह नहीं पता किन्नी क साफ आ इह ते पैच आ तां इक साफ मिल गया आपां नूं जे एवें दी आ गई फिर तां आपां घंटे मैक्सीमम घंटे डेढ़ च पहुँच जाएंगे मुक्तिनाथ अच्छा डीजल आ गला ठीक आ मैं कहते बंदे ने अपने उत्थे झूठ मारता सी आपां महंगा लै लिया तेल बस यही पेट्रोल पंप आया वह भी गला पेट्रोल पंप कहने आ जाता पर डीजल सी इत्थे गला इत्थे सामने एक चैक पोस्ट आ ते साढ़े डॉक्यूमेंट चैक होने लगे सी लगभग साढ़े को सारा कुछ हैगा सी पर हुण ये कहिंदे भी साढ़े को रोड डॉक्यूमेंट नहीं हैगा रोड टैक्स तो कहें थोड़ा चलान कटूगा हुण मैं जिथों परमिट बना वा वह बाई नूं फोन किया तो पुलिस वाले नाल मैं गल करा रहा भी सानूं तां किसी ने कहा नहीं हैगा रोड टैक्स पोखरा नहीं ना जाएंगे चक्कर पोखरा का नहीं है चक्कर तो ये है कि हमें बताया नहीं ना किसी ने हमसे हमने पूछा सभी से इशू तो ये है व्हाट डिड द कस्टम्स ऑफिसर इन बॉर्डर इन नेपाल दे मेड ओनली भंसार दैट इज फॉर द यू हैव अ बाइक यू आर गोइंग टू नेपाल यू नीड ओनली भंसार इज अ काइंड ऑफ परमिट फॉर 15 डेज वी हैव पेड 3000 नेपाली रुपीस बट दे आर सेइंग यू डोंट नीड एनी अदर डॉक्यूमेंट those people they said these people are saying and but tourism department they are saying don't need any permit with the bike we have asked all the things like health insurance other any other documents but they denied for the same haan ji to aap thoda sa kuch to kaam kar do hamara abhi hum return mein kuch to de do hame उधर पर्ची के ऊपर नेपाली भाषा लिखी है हमें समझ आ नहीं रही है इंग्लिश में निकाल के वहाँ के उसके ऊपर आपने नेपाली भाषा में आपने लिखा है कि आप बाइक लेके आए हो अनुमति नहीं ली है किस चीज की अनुमति नहीं ली है आप उसके ऊपर लिख दो रोड टैक्स की अनुमति नहीं ली है कितना मेरी जान मेरी बात तो सुनो मेरे पास पहले सुनो हाँ बताओ यहाँ पर लिखा है 49 के आर्टिकल 29 पे है हाँ नेट पर भी मिलेगा जो जाके आई हैव सर्च सर ऑन आर्टिकल 29 लो मेरा मोबाइल लो आप आर्टिकल 29 के अंदर मुझे बताओ भी कहाँ पे लिखा है यू शुड हैव दिस डॉक्यूमेंट दिस इज द गूगल खोलन दानी बताओ क्या लिखूं हाँ आप मेरे को सर्च करके दे दो आर्टिकल अंडर 29 दिक्कत वो नहीं है पैसे की बात नहीं है नहीं तो हमने आगे कंप्लेंट करनी है तो कंप्लेंट के हमें कुछ तो चाहिए ना सर हम वी आर टूरिस्ट भाई मैं दे चुका हूं आपके लिए वो सर उसके ऊपर नहीं लिखा है ना रोड टैक्स है रोड टैक्स लिख दो रोड टैक्स नहीं है किस चीज की अनुमति नहीं ली है रोड में चलने के लिए वो पटाखे बोलता है तो भंसार का क्या काम है क्या काम है भंसार बाइक वालों का बनता है ना भंसार क्या है हाँ जी जो एक रास्ते से और को रास्ते पे एंट्री करने के लिए जो बॉर्डर है बॉर्डर में छिरने के लिए कितने दिन तक रह रहोगे फॉरेन कंट्री में उसके लिए तो बाइक वो बाइक वालों का बनता है ना वो बाइक का है गाड़ी का है हाँ। जो गाड़ी हाँ। तो गाड़ी गाड़ी भी है यहाँ जो जो यहाँ से यातायात विभाग है यातायात से समिति है कमिटी है ना उसके लिए दर्ता है सब सब जो जो गाड़ी है वो समिति से चलता है चलेगा है ना सो यहाँ पर चलने के लिए नेपाली रोड रोड में चलने के लिए जो परमिशन तो चाहिए ना तो दर्ता करनु पड़े ना आप लोग ने तो इसी के लिए चाहिए लो तो आप आर्टिकल 29 आपने बोला भाई गूगल पे मिल जाएगा निकाल के दो अब है तो आप नहीं सर दिस इज नॉट फेयर सर नहीं यहाँ तक कुछ नहीं कर सकता ओ आर्टिकल 29 ढूंढ दो आप हमें बोल रहे हो गूगल पे मिल जाएगा मैंने आर्टिकल 29 देखा मुझे तो कुछ वहाँ पे व्हीकल के रिलेटेड कुछ नहीं मिला आपके पास वाईफाई नहीं है तो वाईफाई नहीं है एनसेल का नेट तो है चलता है सब आप मेरे को बताओ लिखना क्या है साइड
अपने से सर्च कर लेंगे। और डेटा भी मिल जाएगा सर, है चल नेट तो चलेगा, हमने कौन सा कैसे नेट चलेगा? आप मेरे को बताओ लिखना क्या है? नेट लिए खोलो, मैं सर्च कर लूंगा। बोलो नेट ऑन? सर ये नेट ही है, गूगल ही है ये, और क्या है ये? ना तो इनसे पूछो, इनसे ये तो लोकल है, इनको पूछो भाई, पूछो। डू यू नो हिंदी? हाँ। आपके पास बाइक के लिए कोई परमिट बनता है आपको? ये तो लोकल है ना, पर ये तो यही लोकल है ना, ये जो के बाइक है ना, ये बाइक है, ये जो के बाइक है ना नेपाल की। चलो फिर आप नेट पे हमें बता दो, अगर पर्ची के ऊपर आप लिख दोगे ना रोड टैक्स का चलान काटा है, हम चले जाएंगे। वो कहाँ लिखा है? रोड टैक्स नहीं लिखा है सर, आपने लिखा है अनुमति नहीं लिया। विदेशी मोटरसाइकिल ने अनुमति नहीं लिया, बस किस चीज की अनुमति नहीं लिया? रेस देने की, क्या ब्रेक लगाने की अनुमति? गुगल मैप में गर खोज बन इसको, गुगल गुगल किधर है भाई? तो यार आप एंड्रॉइड में कर लो, छोड़ दो इसको, आप इस बार गूगल में दिखा दो। गूगल अभी जो खोल के तो इसमें गूगल नहीं है, सफारी होता है। ये पढ़ बंदे का मैसेज आया नीचे, उधर जाके पढ़ दो। सॉरी ये नहीं देख रहे हो तुम, ठीक है? नेपाली आदमी है, नेपाली हमें यार कौन नहीं जानता, नेपाल में अभी बंदे हैं दो तीन एजेंट को। मैं बात कर रहा हूं नेपाली आदमी से, ले फोन लगा, फोन डाल कर ये बाइक का ये परमिट दीजिए। ऐसा बोलिए आपको रोज को 200 नेपाली। जब भंसार बनता है सर, भंसार के ऊपर बाइक का नंबर लिखते तो है, उनको पता नहीं है कि रोड टैक्स भी लगेगा, वो बोलते हैं कि रोड टैक्स चाहिए नहीं। सुनो भाई साहब, भंसार के आदमी के लिए यातायात विभाग का नियम कायदा कानून तो था नहीं है, उसलिए वो नहीं बोला हुआ। वो इसके मालूम है, बोल के कुछ नहीं बताएगा। जो भंसार का भंसार है, जो कस्टम ऑफिस है, उस लोग का ऑफिसर के लिए जो उसमें बैठा है, जो आदमी के लिए, वो आदमी भंसार का आदमी के लिए जो यातायात विभाग है, उसका आदमी के लिए कायदे कानून तो पता नहीं क्या बताएगा। जो उसके लिए तो हम लोग ढूंढ के जाना होगा ना यातायात विभाग में। प्रॉब्लम सर टूरिस्ट लोगों का ही होगा ना। वो पता क्या है सर, ऐसे एक एक गाड़ी का चेक होगा, एक एक गाड़ी का एंट्री होगा। आपको क्यों नहीं काटा आगे? यहाँ पर उन्होंने बोला ही नहीं क्यों नहीं काटा, मैं बता देता हूँ। उधर ऑनलाइन पे है, ऑनलाइन क्या है? ऑनलाइन मतलब आपका डॉक्यूमेंट रख के आप बैंक में जाके पैसा भरवाना पड़ेगा, आपका डॉक्यूमेंट खींच के रखता है वहाँ। आपका तो आप तो बाहर का दूर का आदमी है, हाँ। आपको और परेशानी हो गया, मैंने ये कागज पत्र रख दिए, आप दूसरी जगह जाओ, ऑनलाइन पे बैंक में करो। मतलब कैसे सर? ऐसे हम टूर से डिपेंड करते हैं, हम आपको पता है कि हम यूट्यूबर हैं, ठीक है, हम डालते हैं तो आप मेरा चेक करना चैनल, ठीक है, तो वो पूरे पता चलता है वहाँ पे भी। हाँ यार ऐसा ऐसा वहाँ पे हो रहा है भाई, यहाँ पे या तो करप्शन चल रही है या फिर हमें झूठ बोला जा रहा है। और यूट्यूबर की चैनल पे सर्च कर लो, उन लोग ने बताया कि यहाँ पर चाहिए। ओ भाई वो यूट्यूबर ही था ये जो अभी गया है यहाँ से, उसने बोला कि कुछ नहीं चाहिए डॉक्यूमेंट, हमारा सर्कल वैसा ही है, टैक्स तो ले लो, हमें बताओ तो सही ना भी चाहिए ऐसा, ऐसे चलान काट के हमारा भी टाइम खराब हो रहा है। ये अभी बंदा यहाँ पे घूम के गया है, इधर मनांग साइड ये आके गया है बंदा, इधर मनांग वगैरह आके गया है ये खांग सर मनांग, तो इस बंदे को किसी ने कुछ नहीं बोला, इसने मेरे को बोला कोई आपको डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। वहाँ जाके आपको एक्सपेंसिव होगा, यहाँ पर चीपेस्ट है जो 500 सस्ता पड़ेगा आप लोग। तो हमने नेपाल सर और भी घूमना है 10 दिन, तो कैसे बार बार थोड़ी, ये तो 24 आवर्स के लिए वैलिड है। फिर दूसरा जो आपका वो कस्टम ऑफिस में जाते थे ना, हाँ, आपको हर एक दिन का 200 कस्टम कर लगेगा। आप इधर अभी हमें रोड टैक्स का परमिट बनवाना है, कहाँ से बनवाए? पोखरा से। पोखरा तो पोखरा तक चलान कटवाते जाए, ये काट के लिए हम तो पोखरा जाएंगे 2 दिनों बाद। अगर 2 दिन बाद काम कर लेगा ना भाई, आपको कि हम आपके चाहिए ऐसी चाहिए व्यापारी घेर लेंगे, ठीक है? ये पैसे की बात नहीं है सर, एक्चुअली हमें इन्फॉर्मेशन, कितना दिन ठहरना है? हम टूरिस्ट के एज ए टूरिस्ट हमें हरासमेंट हुई है। आप यहाँ कितना दिन ठहरना है नेपाल? 10 दिन और
दस दिन ये पेपर ये। तो मैं बोलता हूँ कि मैंने जिन्होंने मुझे बोला कि कुछ नहीं लगता, मैंने कंप्लेंट करनी है उनकी, तो मुझे रिटन डॉक्यूमेंट दे दो कोई। और यार जो जो बंदे यहाँ पे घूम के गए हैं वो बोलते हैं कि नहीं चाहिए किसी तरह का कोई पैसा। चलिए फिर बोल देंगे और क्या, वो डाल देंगे और भी ऐसे ऐसे हो रहा है नेपाल में, अपना ध्यान से आओ जाना बंद कर दो। एक पता क्या होता है सर, मैं आपको बताता हूँ एक चीज मैंने और नोट करी है कि चलान काटने से पहले पूछा जाता है कि डू यू हैव दिस डॉक्यूमेंट। हमारा बंसार पकड़ा और बोला कि 1000 रुपीज दो, आपका चलान हो गया। क्या पता हमारे पास परमिट होता फिर। हम तो परमिट देंगे अभी। आप परमिट दोगे पर वो सही नहीं किया है आपने, मुझे इतना पता है, श्योर वो सही नहीं है। आपने जो लेना है 500 ले लो और हमारा चलान काटो, ठीक है। ओ यार क्या सुन के क्या करेंगे हम, आप सर काट दो चलान सर, जो करना है हमें। हाँ बट दो पैसे, दो पैसे देते हैं आप हमारे, फ्री करो हमें। लो जी चलान कटवा के आप आ गए हैं। इन्ना ज़्यादा इतने करप्शन है ना, एक भाई मैं कमेंट करता ही कहना भाई इतने इन्हों पता भी हैलमेट पाना जरूरी है। भाई भाई हैलमेट का एक कानून आ इंडिया च पास होया होया हो, करके आप उ बिना हैलमेट तो सार सकते हैं, आउट ऑफ कंट्री जाके हैलमेट पाना ही पेगा, रूल चलता। इन्ना जेड़ा साडा चलान कटिया मैं लगता भी किसी तरीके का सही चलान आ, बिना किसी परमिशन तो बिना किसी डॉक्यूमेंट मंगे साढ़े तो वैसे ही चलान कटता। जिन्हें भी बंद मैं गल की आपके फ्रेंड सर्कल गल की, जोड़े बंद नेपाल आके गए ने वो कहते भी यह पैसे मंगने का इन्होंने ढंग बना रखा, इतने किसी तरह का कोई भी सूँ परमिट नहीं चाहता, जोड़े दो तीन परमिट थोड़े को ही चलन गए। ये साडा इन्होंने एक चलान कट्टे सूँ परमिट बनवा के नहीं दिता, परमिट कहते टूरिज्म डिपार्टमेंट तो बनूगा। बहुत करप्शन आ भाई, वो मैं पहला दसन लग्या फिर मैं क्या चल यार अगला कहूँगा भी तुम किसी देश की भंडी करते हो, पर जे देश गरीबी है ना तो जे कोई बंदा पहला आके गया बहुत ज्यादा अड़े मुंडे आए हैं ना आ गुजरात वाले, चल मैं कहना नहीं चाहता अगली दूजी आर्मी अपने नेपाल की, यह रात को नेपाल की आर्मी 700 रुपया दे के एंटर किए ने, आर्मी ने भी पैसे मंग ले, ये हाल है यार इतों का। इन्ह ने साडे परमिट फट के रख ले, गल पता की आ गल पैसे की की है, चलो 500 रुपया लगे एक बंदे का, 300 रुपये का इन्होंने चलान कटता, रोड टैक्स कह थोड़ा पोखराज बनूगा, देखते हैं हम उत्थे ही बनता कि नहीं बनता। मैं कहना गूगल से आर्टिकल नंबर 29 चैक कर लो, इन्होंने वो नहीं सानू कढ़ के दिता भी 29 नंबर आर्टिकल दे विच की कहिंदे ने, कोई एवें दा एक्ट नहीं हैगा जी, ये बिना किसी गल तो परची कट्टी गई है। मैं क्या भी साड़ी तुसी स्लिप कटती कोई गल नहीं, स्लिप तो यह लिख के दे दो भाई थोड़े को रोड टैक्स की परमिशन चाहिए आ, हुण उहदे उत्ते सिर्फ यह लिखा होया भी इन्हां ने अनुमति नहीं ली विदेशी इन्हां कोल साधन आ, बस गल खत्म। हुण अनुमति दे विच तां रोड टैक्स भी आ सकता, दूजा परमिट भी आ सकता, उहीं बस की कह सकते हैं यार। इन्हां निक्कियां निक्कियां चीज़ां जिन्नी नेपाल दे विच ठगी ठोरी है ना, यह सानूं वड्डियां थावां वास्ते ट्रेंड ही करूगी। सामने पहाड़ देखो बई, जिहड़ा वो सामने पहाड़ दा बर्फ नाल लद्दिया पिया ग्लेशियर ही है तां निरा, ठंडी हवा आउण लग गई हुण, वो चिट्टा चिट्टा जिहा पहाड़ ना सामने बदलों के विच ना, इहदे उत्ते एक होर आ, वह हुण इक्को दम उहदे उत्ते बदल आ गए लुक गया। वो इधर जा रही ने बसां धूड़ पट दियाँ, ये सारिया चलिया ने मुक्तिनाथ नूं, अपने वाले बंदे पिछे रह गए सी, मैं उन्हां दी वेट करन लग गया, वो आ रहे ने काली गंडकी रिवर दे नाल नाल। सफर अज तो लेट हो गए, घट्टो घट 1.5 घंटा असी पुलिस वाले दे नाल बहस बसाई की आ। चलो चलो ग्लेशियर के जमा नेड़े पहुँच गए आप, आओ दे थकात आ यार अज तो पुलिस वाले को बड़ा टाइम लाता, 1.5 घंटा खराब हो गया उ, वो भी पतंद झाकण कहते किन्ने नाल वाह पै गया, मैं तो हटे ही नहीं। गुजरात वाले भी झाकण भी, यह तो पंजाब वाला बाल ही तत्ता चल रहा, अद्धे तो यह जे सीन होए सी मैं रिकॉर्ड ही नहीं किते। इधर काली गंडकी रिवर आ, ये अगे जिमें जिमें आप तू जाई आवेंगे ना उमें उमें दरिया वागू बनी जाती, कि खुली बन गई चौड़ी बन गई है ना, सामने ग्लेशियर काली गंडकी रिवर का जरा ओरिजन
ਉਹ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰ ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਈਨਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਓਰੀਜਨ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਚਲਾਣ ਕਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ ਪਰ ਸਫ਼ਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਚਲਾਣ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਆ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਲੱਦਾਖ ਵਾਲੇ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਉਵੇਂ ਦੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਬਈ ਲੱਦਾਖ ਵਰਗਾ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਇੱਥੇ ਚਿੱਟਾ ਜਿਹਾ ਪਹਾੜ ਆ ਨਾ ਇਹ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਲਵਾਇਰੂ ਆ ਲਵਾਇਰੂ ਕਾਰਗਿਲ ਦੇ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਆ ਆਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਲਵਾਇਰੂ ਵਰਗੇ ਨੇ ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਰਫਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪਿੰਡ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ ਅਭੀ ਚਾਹ ਚੂਹੇ ਪੀ ਲਈ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਯਾਰ ਚਾਹ ਚੂਹ ਪੀ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਕਰੰਟ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 4 degrees ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ -3-4 ਤੱਕ ਜਾਊਗਾ ਠੰਡ ਵੱਧ ਗਈ ਹਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਹਵਾ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੀ ਆ ਇੱਥੇ ਨਿਊਡਲ ਖਾ ਲਏ ਹੋਰ ਕੁਛ ਹੈਣਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖਾਣ ਨੂੰ ਅਤੇ 2-2 cups ਚਾਹ ਪੀ ਲਏ 750 rupees ਬਣਿਆ ਸੀ 250 ਨੇਪਾਲੀ ਮਤਲਬ 100-150 rupees ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਰੱਜ ਗਏ ਸਾਹਮਣੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਅਤੇ ਬਰਫ਼ ਅਤੇ ਨਾਲ ਧੁੱਪ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਜਾਮਸਮ ਇੱਥੋਂ ਹੈਗਾ 27 kilometers ਮੁਕਤੀ ਧਾਮ ਅਤੇ 1 hour ਲੱਗੂਗਾ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਠੰਡ ਨਾਲ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਤਕੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਸੀ 3-4-1 degrees ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਝੰਡੇ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਹਿੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਆਹ ਦੇਖ ਹਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਚੱਲੀਏ ਕੱਦੀ ਟੱਕਰੇ ਤਾਂ ਹਾਲ ਸੁਣਾਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਗ ਆਪਣੇ ਬਾਈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਾਰਜਰ ਆ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੀਦਾ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਅਬ ਤਾਂ ਪੈਕ ਹੋਣਾ ਪੜੇਗਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਫੇਰ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟ ਆ ਗਈ ਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਐਂਟਰੀ ਕੌਣ ਸਾ ਪਰਮਿਟ ਕੀ ਬਲਸਾਰ ਕੀ ਇਹ ਦਿਖਾਣਾ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਆ ਕੀ ਪਿਆ ਇੱਥੇ ਫਰੀ ਟੇਕ 1 ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਇਹ ਰਾਊਂਡ ਅੰਨਪੂਰਨਾ ਇਹ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਮਸਤਾਂਗ ਇਹ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਮੈਨੇ ਫੋਟੋ ਥਾ ਯਹਾਂ ਬਣ ਜਾਤਾ ਹੈ ਸਰ ਅਲੱਗ ਸੇ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਵਿਊ ਦਿਖਾਵਾਂ ਉਹ ਦੇਖ ਸਾਹਮਣੇ 2 ਪਹਾੜ ਵਿਚਾਲੇ ਪਹਾੜ 'ਤੇ ਬਰਫ਼ ਵੀ ਆ ਉਸੇ ਇਕੱਲੇ 'ਤੇ ਧੁੱਪ ਪੈ ਰਹੀ ਆ ਉੱਧਰ ਦੇਖ ਲਾ ਹਵਾ ਨਾਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫਲੈਗ ਦੇਖੋ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਾ ਕਿਵੇਂ ਟੇਢਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਉਹ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਰੋਲਾ ਉੱਡੀ ਜਾਂਦਾ ਬਹੁਤ ਹਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦੇ ਉਹਨੇ ਫੜ ਕੇ ਬੰਨ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਪਾਰ ਹੀ ਨਾ ਜਾਵੇ ਐਡੀ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਕਰਤਾ ਇਕੱਠਾ ਲੋ ਪੂਰੀ ਹਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪਾਸ ਕਰਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਲੇਹ ਲਦਾਖ 'ਚ ਕਰਾਸ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੱਕਦਮ ਹਾਈਟ ਆ ਗਈ ਓਏ ਹਵਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋ ਪਹਾੜ ਬਈ ਓਏ ਹੋਏ 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 ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਐਡਵੈਂਚਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹਵਾ ਵਾਲਾ ਉਹ ਵੀ ਤੰਦ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ 150 cc ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆ ਅਤੇ 2 ਜਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕੋਈ ਪਾਸ ਆ ਗਿਆ ਉੱਪਰ ਪਾਸ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਲੱਦਾਖ ਹੋ ਗਿਆ ਲੱਦਾਖ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ
चलते इतने तक जो ठंड हो जाती है ठंड के कैमरा भी हैंग होने वाला हो जाता देखते हैं। वैसे मैं लगता 3000 मीटर तो उपर आ गए आप पोखरा के 1000 मीटर से मतलब जो आप गल करिए 10-11 हज़ार फुट तक पहुँच गए आप हूँ तो लग रहा ना लद्दाख वो देखो सामने बर्फ इतने ना अपन बर्फ मिल जाए पर मिल गई स्वाद आ जाना इतने जॉमसम पार्किंग एरिया अच्छे ड्रेस ड्रुस पा के तैयार फ्यार होने वाला काम होया पाया टी शॉप बनी हुई है इतने पता नहीं की रखा हुआ पत्थर जहा देखा हवा देख लो और सामने कोई चीज बनाई हुई है उधर जिंदा जिंदा ला रखा वो कोई वैसे दिल जहा बनाया हुआ पास वांगू लगता एक तरह का ही हजे तो चढ़ाई जानी आप उपर उधरले पासे जाना चलो चलो कुछ नहीं है हट ही नहीं रहा है तो चढ़ लो उपर ओ देख ओ परले पासे ना चुंज जी दिख रही है पहाड़ की बड़ा खतरनाक लग रहा उत्थे लो जी सड़क ते स्लो आ गई करो दर्शन अगे जाके ना मिले होर कल मिल जाए अज तो थके पे हैं ताजी ताजी पिघली हुई है ये जिन्नी कि भी हैगी खान पीन का इत्थे रहन सहन का सारा कुछ हैगा खिंगा जगह का नाम है खिंगा वधिया सी बाइकर्स स्टॉप होटल जे मैं कल्ला हुंदा मैं रुक जाता ये तो हुण बाई दे नाल फिर मैं इन्हां करके जिथे ये जाणगे नाल चलदे आ ये तो शायद टेंट लाउणगे हुण आपां तां नहीं लाउंदे टेंट इन्ने माइनस च लो जी मुक्तिनाथ आपां पहुँच गए ये मुक्तिनाथ का एक बड़ा पार्किंग एरिया सामने पहाड़ों के उत्ते बर्फ पई हुई आ नक बंद हो गया मोटरसाइकिल इधरले पासे बंद करते सामने चाह पीने वाला हिसाब किताब वा लोग चाह पी जाते हैं इतों 3 चाह कराने फिर होटल का पता करते इस होटल के हमने आप चाह पी के हटे हाँ तो इतने चाह मिली आपां नूं 80 रुपए का कप जिवें जिवें उपर आई जाने रेट बधी जाता तारे देखो यार दिख रहे ने सोनू शायद ना दिख रहे हूँ बहुत साफ दिख रहे हैं तो लो जी 8:40 हो गए तो मुक्तिनाथ असी पहुँच गए हाँ टैंपरेचर इतने -2 आ पता नहीं 3 आ हूँ प्रशादा पानी छकन लगे हाँ सवेरे आप मुक्तिनाथ टैंपल के दर्शन करा टैंपरेचर देख लो -2 आ तो -7 तक जाऊगा कमरा आप ले लिया 1500 रुपए के मिल गया तो हम दाल भात खा रहे हैं बहुत अच्छा खाना बनाया दीदी ने दीदी की फोटो ले लो साथ में फेमस कर दो दीदी को बचा लो इतना कंजूस है इसलिए तो आगे इसलिए तो आगे कंजूस बंदे हैं तो इसलिए तो घूम रहे हैं अगर पैसा खर्च करते घूम नहीं पाते चलो एक मिनट और कल मिलते हैं फिर नवी वीडियो के नाल इस वीडियो को बद्दो बद्द शेयर कर दो वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह बंद कर थोड़ी डालो वाहेगुरु जी की खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।